हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल खाना खजाना रेसिपी में। तो आज हम बनाएंगे एक हेल्दी नाश्ता। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई रख दिए हैं, इसमें एक कप पानी डाल देंगे, आधा चम्मच नमक डाल देंगे या स्वाद अनुसार, एक हम आधी चम्मच घी डाल देंगे और पानी को बॉईल होने तक। यहाँ पर पानी में उबाल आ चुका है, आप लोग देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर एक कप चावल काटा लिए हैं, ये डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर मिक्स हो चुका है, तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे ढक 5 मिनट के लिए ढक देंगे इसी तरह। अब इस यहाँ पर 5 मिनट हो चुका है, तो हम इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे। यहाँ हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसका हम छोटे छोटे गोली बना लेंगे इस तरह से छोटे, ये देखिए इसी तरह से हम सारे बनाकर रेडी करेंगे। यहाँ पर हमने सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं। यहाँ पर हमने पहले से पानी बॉईल होने के लिए रख दिए थे, अब जो गोली बनाकर हम रखे हैं ये रख देंगे और इसे ढककर 10 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है, तो हम गैस को बंद कर देंगे। इतना सॉफ्ट बना आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमने फिर से कढ़ाई रख दिया, इसमें एक बड़े चम्मच तेल डाल दिए हैं। तो यहाँ पर हमने आधी चम्मच सरसों लिए, ये डाल देंगे। आधा चम्मच तिल लिए हैं, ये डाल देंगे सफ़ेद वाला। अब इन सबको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और भून लेंगे। हमने थोड़ा सा अदरक काट कर लिए हैं, ये डाल देंगे। 3 हरी मिर्च काट कर ले लिए, ये डाल देंगे। इन सबको हल्का सा भून लेंगे। अब हम जो गोली इडली बना कर रखे हैं ये डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहीं पर बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती डाल देंगे। अब गैस को बंद कर देंगे। अब इसे ढककर 2 मिनट तक, अब 2 मिनट इसी तरह से रहने देंगे। ये देखिए, आप हमारा गोली इडली बनकर रेडी है। आप इस तरह से कीजिए और इस तरह से खा लीजिए। तो अगर आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।